नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको गुलाबी शहर जयपुर की ऐसी 10 मोस्ट पॉपुलर विजिटिंग प्लेसेस के बारे में बताने वाले हैं जो कि अपने रिच कल्चर, हेरिटेज, आर्किटेक्चर और खाने के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो एंड तक देखिए। सबसे पहले नंबर 1 पे है गुलाबी शहर में बना हुआ गुलाबी रंग में रंगा हुआ हवा महल, जो कि राजा सवाई मान ने अपने घर के सारे राजघराने की औरतों के लिए बनाया गया था, ताकि इनके अंदर के झरोकों से वो पूरे सिटी में होने वाले फेस्टिवल्स को एंजॉय कर सके, देख सके बिना किसी की नजर में आए हुए। कहते हैं कि इसके अंदर इतने सारे झरोके बने हुए हैं जिससे इतने एयर वेंटिलेशन होती है इतनी गजब की, कि इसीलिए इसका नाम हवा महल रख दिया गया हुआ है। इसका आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर है, अमेजिंग है, पुराने राजपूत घरानों से इंस्पायर्ड है, बहुत कल्चर इसका रिच है। अभी भी आप जाते हो तो आपको एक फील वहाँ की वाइब्स महसूस होती है। यहाँ की एंट्री फीस मात्र 50 रुपीज़ है, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक 6 बजे तक खुला रहता है, 9 बजे से, तो आप कभी भी यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। जयपुर में एंट्री करते ही मेन मार्केट में आपको ये दिख जाएगा। यही वो झरोकी है जहाँ से राजघराने की औरतें पूरे सिटी में होने वाले फेस्टिवल्स को देखती थी और इंजॉय करती थी। इसका आर्किटेक्चर, इसकी ब्यूटी पूरा, और ये बहुत ही बड़े एरिया में, एकड़ में बना हुआ है और पूरे लोगों को इसको देखने में बहुत मज़ा आता है। तो जब कभी भी आप यहाँ पर आए ज़रूर विजिट करें। इसके अलावा इसके अंदर आपको बहुत सारे पुराने ज़माने की मूर्तियाँ भी देखने के लिए मिल जाएंगी, तो इसको भी विजिट करना ना भूलिए। अलग अलग आकृतियों से बनी हुई मूर्तियाँ भी आपको देखने को मिलती हैं, तो जब भी यहाँ पर आएँ ज़रूर देखिए। इसके बाद आता है विंड व्यू कैफे, जो कि कहते हैं बिल्कुल हवा महल के सामने ही है। अगर आपको हवा महल का फ्रंट व्यू पूरा लेना है तो आप विंड कैफे में जरूर जाइए। ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट बना हुआ है सड़क के इस किनारे पर, और विंड व्यू कैफे बिल्कुल ऊपर टॉप फ्लोर पे जाते ही आपको हवा महल का पूरा फ्रंट व्यू देखने को मिल जाता है। वैसे वो इसका बैक व्यू है, लेकिन सड़क से इसको फ्रंट व्यू कहते हैं, तो वो पूरा देखने को आपको मिलता है। आप बिल्कुल टॉप फ्लोर पे चले जाइए और सामने से जो मज़ा आता है हवा महल को देखने का, अद्भुत नज़ारा है। इवन आप पूरी सिटी को भी यहाँ से देख सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ का खाना भी इंजॉय कर सकते हैं, स्नैकिंग भी कर सकते हैं। तो जब भी आपको कुछ खाने पीने का भी मन हो और हवा महल को भी सामने से चाहे वीडियोग्राफी करनी हो, फोटोग्राफी करनी हो, तो विंड व्यू कैफे चले जाइए और दूर से मजा लीजिए। हवा महल और विंड व्यू कैफे विजिट करने के बाद आप देख सकते हैं सिटी पैलेस, जो कि हाल ही 10 मिनट के डिस्टेंस पे ही है, मार्केट के बीच ही है। ये बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल फ्यूजन है राजपूत आर्किटेक्चर का, और ये भी राजा सवाई मान जी ने ही बनवाया हुआ था। इसका आर्किटेक्चर इतना सुंदर है कि आप देखते बिना रह नहीं पाओगे, और इसके अंदर म्यूजियम भी बना हुआ है और रॉयल फैमिली के लिए रेजिडेंस भी बना हुआ है। हाफ पार्ट डिवाइड किया हुआ है, और नॉर्मल पार्ट जो म्यूजियम बना हुआ है वो नॉर्मल पब्लिक के लिए ओपन है, जहाँ पे आपको शस्त्र बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, हथियार देखने को मिल जाएंगे, आर्मरी देखने को मिल जाएगी, और बहुत ऐसे सारे उस जमाने के, जिस जमाने में ये राजे महाराजे अपने युद्ध लड़ा करते थे, उनसे रिलेटेड उनकी ड्रेसेस भी आपको देखने से मिल जाएंगे, उनके शस्त्र भी देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें दावतें आम भी हैं, दावतें खास भी हैं, तो ये अलग अलग उन्होंने पार्ट बना रखे हैं जहाँ पर आप विजिट कर सकते हो। तो इनमें आपको बहुत ही सुंदर कारीगरी, आर्किटेक्चर स्टाइल, वहाँ का फ्यूजन, वहाँ का ये बहुत प्यारे इनके जो इन्होंने शस्त्र बना रखे हुए हैं उसको डिस्प्ले में लगाया हुआ, जो आपको देखने को मिलते हैं, तो इसको भी आप ज़रूर विजिट करिए। इसकी फ़ीस है 300 रुपीज़ स्टार्ट है, जो इसकी एंट्री फ़ीस है उसे लेकर ये 1500 तक जाती हैं। अलग अलग इसमें टेक्सटाइल हब भी बना हुआ है, म्यूजियम भी बना हुआ है, तो हर चीज़ के लिए अलग टिकट लेनी पड़ती है, तो आपको सारा उसके हिसाब से प्लान करना पड़ता है। मॉर्निंग 9 o'clock से इवनिंग 6 o'clock तक ये खुला रहता है, तो जब भी जयपुर में जाइए, इसका कल्चर देखना हो, आर्किटेक्चर देखना हो, तो सिटी पैलेस ज़रूर जाएं। जयपुर में विजिट करने के लिए अगली जगह है बापू बाजार, जो कि शॉपिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जयपुर में आओ शॉपिंग ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जयपुर अपने जयपुरी जूती और मोजड़ी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर अब आपको भांति भांति के जूती और मोजड़ी मिल जाती हैं, जो कि बहुत फेमस है पूरे राजस्थान में। इसके अलावा आपको टेक्सटाइल में, आपको कपड़ों में बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने को मिल जाती है, जिसमें जयपुर का टच है, कल्चर का, हेरिटेज का टच है। आपको बहुत ही अलग अलग तरह के
सूट, साड़ियाँ, लहंगा, चोली, घाघरो, चोली और इवन पगड़ी, सब कुछ इस तरह के आइटम जयपुर का टच लिए हुए, रॉयल टच, रॉयल कारीगरी किए हुए हर चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ के शॉल्स और स्टॉल्स रेशमी में, बहुत रेशमी कपड़े में स्टॉल्स और शॉल बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आप लिए बिना नहीं रह पाओगे, जैसे कि मैंने भी ले लिए बहुत सारे। इसी तरह इसके अलावा आपको यहाँ पे लेदर के बैग्स, लेदर के पर्स, लेदर के जूट बैग्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। एक्सेसरी और ज्वेलरी में भी यहाँ पे अलग से पटरी मार्केट भी लगी रहती है, जो आपके लिए फिजिबल होने वाली है। साथ में ही आपको यहाँ पे बहुत ही प्यारी होम डेकोर की चीज़ें भी मिलने वाली हैं, घर को डेकोरेट करने वाला सामान भी यहाँ पे रॉयल टच का आप ले सकते हो, जिसमें पूरे जयपुर की झलक झलकती है। तो यहाँ पे इस तरह की शॉपिंग ज़रूर करें जब भी जयपुर में आए। लोकल ही अगर आपको घूमना है तो हवा महल, सिटी पैलेस और जयपुर का बापू बाजार, ये चीज़ें आप कभी भी मिस मत कीजिए। ये आपको पहले एक ही दिन में आप प्लान कर सकते हो, सब कुछ घूमने में आपको 2 से 3 घंटे का ही समय लगता है। तो जब भी आए जयपुर में बापू बाजार जरूर घूमें। अगले नंबर है आमेर का किला, जो कि जयपुर से 10-11 किलोमीटर की दूरी पर है और इसको देखने के लिए 2 से 3 घंटे का आपको समय चाहिए और इसकी टिकट है 100 रुपीज। आमेर का किला उच्च कोटि की शिल्प कला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे से महल बने हुए हैं, जिनमें से एक है शीश महल, जो अपनी आलिशान अद्भुत नक्काशी के लिए बहुत ही फेमस है। ये भी राजा मान सिंह जी ने बनाया हुआ था। इसके पास ही एक झील बनी हुई है, जो कि यहाँ की बहुत ही फेमस जगह है। उस झील को देखने में भी बहुत मजा आता है। जब भी आप यहाँ पे आए आमेर का किला जरूर देखें। यहाँ से आपको पूरी सिटी का व्यू दिखता है और ये पुराने जमाने में राजे महाराजे अपने लिए बनाया करते होते थे, ताकि ऊपर से इतनी ऊपर पहाड़ की चोटी पर किले होने की वजह से वो अपने पूरे सिटी के ऊपर नजर रख सकते थे। तो ये एक अद्भुत नजारा है, इसको यहाँ पे जरूर देखिएगा। अगले नंबर पे है जल महल, जो कि बहुत ही सुंदर नक्काशी का उदाहरण है और ये बिल्कुल जल के बीच में बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम जल महल रखा गया हुआ है। हालांकि ऐसा लगता है देखने में कि ये पानी के ऊपर तैर रहा है, लेकिन असली में ये 5 इमारता बिल्डिंग है, जिसकी 4 इमारतें नीचे पानी में है जो इसको सपोर्ट कर रही है। ऊपर की एक इमारत हमें दिखाई देती है और लगता है ऐसे कि ये पानी में तैरता हुआ प्रतीत होता है। इसके अंदर भी बहुत सुंदर नक्काशी आपको देखने को मिल जाएगी। पूरे राजस्थान की जयपुर की भवनों में, इमारतों में आपको जयपुर का कल्चर दिखाई देगा और रात को चमकता हुआ तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। जब भी आप कभी यहाँ पे विजिट करें, रात को इवनिंग के टाइम पर विजिट करें, ताकि आपको रात को यहाँ पे लाइटिंग का भी मजा आ सके और पूरे यहाँ पे आनंद से सुकून से अपना दिन बिताइए। इसकी एंट्री टिकट 50 रुपीज से 100 रुपीज पर पर्सन है, तो आप जब कभी भी इधर आए यहाँ के लिए भी अपना प्लान बना सकते हैं। अगले नंबर पे है जंतर मंतर, जो कि यहाँ की एक बहुत ही ज़्यादा खास ऑब्जर्वेटरी है, जिसमें ऐसी 19 डिवाइसेस लगी हुई हैं जो कि उस जमाने के हिसाब से एग्जैक्ट और एक्यूरेट टाइम बताती थी। और बहुत सारे ऐसे 19 इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लगे हुए हैं, जो कि हमारी जन्म कुंडली, जोडियक साइन, टाइम स्टोन और पिंड ग्रहों में जो आकाश में तारे होते, ग्रह होते हैं, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन तक भी ट्रेस कर लेती होती थी। तो जब भी आप जयपुर में विजिट करें जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी ज़रूर जाएँ। अगले नंबर पे है किशनगढ़ में डंपिंग यार्ड, जो कि कहते हैं कि यहाँ की मार्बल सिटी का बहुत ही खास नमूना है। ऐसे लगता है कि ये स्नो के बने हुए पहाड़ है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली में ये एक मार्बल डस्ट का डंपिंग यार्ड है, जो धीरे धीरे कंप्रेस होके एक तरह से स्नो माउंटेन बन चुके हुए हैं। यहाँ पर ज़रूर विजिट करें। यहाँ पर मैंने सुना है बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी अपनी फिल्मों के या गानों की शूटिंग के लिए आते हैं। ये जितनी भी आपको सफ़ेद पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ये सारे मार्बल की डस्ट से बने हुए हैं, एक्चुअली में ये वही है। लेकिन यहाँ पर बहुत प्यारी सुंदर आपको झील भी देखने को मिलती है। और यहाँ पर अगर आप विजिट करते हो तो इसकी फ़ीस 30 से 50 रुपीज़ पर पर्सन है। मॉर्निंग 9 o'clock से ये 6 बजे तक खुला रहता है। इसके लिए आपको बाहर दफ्तर से एक एंट्री टिकट लेनी पड़ती है, पास लेना पड़ता है। उसके बाद आप पूरा दिन यहाँ पर
घूम सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे यहाँ पे सनसेट और सनराइज देखने को मिलता है। और गर्मियों में अगर आ रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा या तो सुबह आएँ या तो फिर शाम को आएँ, क्योंकि दोपहर को बहुत गर्मी होती है तो थोड़ा मुश्किल होता है। अदरवाइज आप पूरा दिन यहाँ पे घूम सकते हैं। बहुत ही प्यारा किशनगढ़ का डंपिंग यार्ड आप जब भी जयपुर में आए ज़रूर देखें, एक खास नमूना है। हालांकि ये वेस्ट से बना हुआ है लेकिन इतना खूबसूरत बन गया हुआ है कि आप इसको देखे बिना रह ही नहीं पाएंगे। तो जब भी जयपुर में आए किशनगढ़ डंपिंग यार्ड में जरूर विजिट करें। अगले नंबर पे है सॉल्ट लेक। ये सॉल्ट लेक जयपुर में बहुत ही ज्यादा फेमस है, खास करके फ्लैमिंगोस के लिए, क्योंकि नवंबर से लेके मार्च तक में यहाँ पे फ्लैमिंगोस देखने को मिलती हैं और उसकी सवारी करने के लिए आपको यहाँ पे एक ट्रेन भी मिल जाती है। अगर आपको पूरा लेक विजिट करना है तो आप ट्रेन की सवारी कर सकते हो। ये ट्रेन आपको पूरा चक्कर लगवाती है लेक को दिखाने के लिए। इवन आप नवंबर से अगर मार्च के बीच में आते हो तो आपको फ्लैमिंगोस भी यहाँ पे बहुत खूबसूरत देखने को मिल जाती है। तो जब भी कभी आप विजिट करना सॉल्ट लेक है तो आप नवंबर से मार्च के बीच में कीजिए, ताकि आपको लेक के साथ साथ बहुत खूबसूरत फ्लैमिंगोज भी देखने को मिल जाएं। अगले नंबर पे है चौकी धानी। जयपुर में आए और दाल बाटी चूरमा ना खाया तो क्या खाया। इसके अलावा चौकी धानी अपने दाल बाटी चूरमा के अलावा कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पे आपको अलग अलग कल्चर के प्रोग्राम्स भी देखने को मिलते हैं और बहुत ही एथनिक फेमस स्टाइल में आपको यहाँ पे दाल बाटी चूरमा भी खाने को मिलता है। इसके अलावा आप छोटे मोटे पपेट्स प्रोग्राम देख सकते हो, बोटिंग कर सकते हो, यहाँ पे हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग, एलिफेंट राइडिंग, हर तरह का इंतजाम इन्होंने चौकी धानी के अंदर ही किया हुआ है। एक तरह से ये आपके लिए विलेज टूर है, जहाँ पे आप छोटी मोटी टेक्सटाइल शॉपिंग भी कर सकते हो, बोटिंग कर सकते हो, इस तरह के कल्चर में जो कि राजस्थान में जयपुर में फेमस है उसकी फील भी ले सकते हो। एक छोटा सा गांव बना हुआ है जिसके अंदर आपको छोटे छोटे पार्ट्स में ये सारी चीजें देखने को मिलती है और करने को मिलती है। राइड्स के 20 रुपए हैं और खाना यहाँ पे 500 से शुरू हो रहा है, पर पर्सन एंट्री यहाँ पे 700 से 1000 के बीच में है। तो जब भी आप जयपुर में आए चौकी धानी जरूर आइए, यहाँ की रिच कल्चर को देखने के लिए और दाल बाटी चूरमा खाने के लिए। इसके अलावा अगला नंबर है श्री मोटू राम प्रसादम का, जो कि खाने के मामले में बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह है। यहाँ पर अगर आप आते हो तो आपको बहुत ही ऑथेंटिक वे में एक प्यारा सा एम्बियंस मिलता है। बहुत ही रिच कल्चर और यहाँ की हेरिटेज और आर्किटेक्चर इस चीज को प्रदर्शित करता है। एक थाली यहाँ पे आपको मिलती है जहाँ पे 56 भोग दिए जाते हैं भगवान को समर्पित किए हुए। इस तरह लगता है कि आप उनका प्रसाद ही ग्रहण कर रहे हो। तो उन्हीं की थीम पे आपको थाली यहाँ पे हर तरह की मिल जाती है, चाहे वो साउथ इंडियन हो, चाहे वो राजस्थानी हो, चाहे वो जयपुरी हो, चाहे वो मारवाड़ी हो, हर तरह के खाने की आपको दाल बाटी चूरमे से भरी हुई थाली भी यहाँ पे खाने को मिल जाती है। तो अगर आपको एक अच्छा ऑप्शन चाहिए खाने के लिए जयपुरी कल्चर का खाना, तो आप श्री मोटूराम प्रसादम में जरूर विजिट कीजिए। सारी लिंक और डिटेल और इनकी लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। मैंने बहुत सारे लोकेशन और अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस मैंने आपको जयपुर में बता दिए हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। अच्छा और इंफॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वो अपना हॉलीडे प्लान कर सके। अभी के लिए इतना ही। बाय।